देख सकते हैं कि इसे ब्रेक को दबा रहे फिर भी बिल्कुल फ्री है, ब्रेक ले ही नहीं रहा, इसे दाब के रखा हूँ फिर भी ये फ्री है भी। तो इसे किस तरीके से ठीक करना होता है तो बने रहे हैं इस वीडियो में, बताने वाले इसकी जानकारी देने वाला फ्रेंड। आज हम अपाची के रियर डिस्क को रिपेयरिंग करने वाले हैं। देख सकते हैं कि बेसिक बाइक है तो इसको एयर को निकालेंगे। देख सकते हैं कि ये गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी थी घर पे, कस्टमर के घर पे, तो क्या हो गया था, पूरा व्हील जाम हो गया था। तो मैंने व्हील को डिस्क पैड को निकाल के उसके पिस्टन को दबा के फ्री करके लाया, मगर एयर देख सकते हैं कि नहीं बन रहा है। किस तरीके से हमें बनाना है मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो देखें और समझें। तो मैं बता दूं, इधर आओ यार पकड़ो इसको। तो करना क्या है फ्रेंड, दो चार बार इस तरीके से मार के हमें इस तरह दो चार बार मारना है और इसे दबा के हमें रखना है और इसे लूज करना है। यहाँ से ऑयल निकलेगा, देख सकते हैं, मैं बता दूं, देख सकते हैं, मैं रिंग से इस रेंज से मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से दबाना है, लूज करना है, फिर इसे हम टाइट करेंगे, फिर इसी तरीके से दो चार बार, पांच बार, इस तरीके से करके फिर हम एक बार इसको इस तरीके से लूज करेंगे। इसी तरीके से कर करके हमें देख सकते हैं कितना भी इसे दबा रहे हैं फ्री हो एक फ्रेंड, ये बिल्कुल ब्रेक नहीं दे रहा, ऑयल खत्म हो गया, ऑयल के लेवल को कर लेंगे। और फिर इसी तरीके से 8-10 बार इस तरीके से मारना है, और फिर इस तरीके से लूज करना है इसे, फिर इसे मारना है। क्या होता है कि एयर बन जाता है पाइप में और इस पिस्टन के पास, तो एयर निकालने में काफ़ी समस्या होती है, हमें घंटों दो घंटे लग जाते हैं। फिर इस तरीके से मार मार के फिर इसे दबा के रखेंगे और देखो ना, फिर इसे लूज करेंगे। इस तरीके से हमें मारते रहना है और एयर निकाल देना है सभी। फिर इसे हम टाइट कर लेंगे और फिर पंप को लगाएंगे। जब तक एयर निकल नहीं जाता तब तक हमें इस प्रकार करते रहना है। आठ दस बार मार के फिर हमें इस तरीके से लूज कर देना है इस 8 mm के बोल्ट को। देख सकते हैं अभी भी एयर हल्का हल्का निकल रहा है, वो एयर जब तक निकल नहीं पाएगा दोस्तों तब तक ब्रेक काम नहीं करेगा ये डिस वाला। हम मैकेनिकों को काफ़ी इसमें परेशान हम लोग रहते हैं जब ऐसी समस्या आती है, और काफ़ी टाइम लग जाता है, उस हिसाब से हम लोग पैसे भी नहीं ले पाते और जितना इसमें समय लग जाता है, फिर भी हम समस्याओं का हल हमें ही करना है क्योंकि हम मैकेनिक हैं, कस्टमर हैं तो आते हैं, तो ठीक करने का काम हमारा ही होना कर्तव्य होता है। ये सब समय जितना भी लगे ठीक करके चाहिए कस्टमर को। ये देख सकते हैं कि हल्का हल्का पकड़ने लगा है, देख सकते हैं कि इसे घुमा दिया हमने और हल्का दबा तो ये रुक रहा है। अब है कि हल्का हल्का लेने लगा है, देख सकते हैं कि घुमा दिया और मारा,
तो हल्का रुक रहा है। धीरे धीरे इसी तरीके से हम एयर को निकाल लेंगे। दिया गया, फिर इसे दबाएंगे और फिर दबा के रख के हमको एयर निकालना है। कभी भी दबा के रखने से क्या होता है कि जितने एयर होते हैं पाइप के अंदर वो निकल जाते हैं दोस्तों। एकदम बिल्कुल अभी भी निकल रहे दोस्तों एयर, जब तक एयर इसका बाहर नहीं होगा पूरी तरीके से तब तक ये काम नहीं कर गया दोस्तों। 1 2 3 हो गलो, देख सकते हैं कि अब ये टर्नाटन हो चुका है। अब ये जाके देख सकते हैं क्योंकि अब ब्रेक लगने लगा था। हम लगभग हम लोग 2 दिन इसको लग गए। कल सुबह गाड़ी आई थी ये और अभी जाके ब्रेक बना है। एयर निकाल निकाल के बिल्कुल परेशान थे एकदम और अभी जाके ब्रेक लगने लगा है। ये दबाया बाइक देख सकते हैं रुक गया। अब ब्रेक जो है सो देख सकते हैं कि ये अच्छे तरीके से अब काम करने लगा और ये अब ब्रेक लगने लगा देख सकते हैं। गाड़ी मात्र 6 महीने खड़ी थी और ऐसा समस्या आ गया। ये इसे बढ़िया से मुझे क्लीन करके पूरे यहाँ का जो पिस्टन होता है उसे बढ़िया से क्लीन करके लगाया। फिर हमको एयर निकालने में कल दिन भर परेशान हुआ। फिर आज जाके ये कंप्लीट हो गया। आज 3-4 बजे इसे हमने कंप्लीट किया फ्रेंड और अभी ये ब्रेक ले रहा है। तो ये क्या होता है कि ये जल्दीबाजी में अगर करना चाहे तो होता नहीं है, इसका टाइम लेना होता है कस्टमर्स। तो ये देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका। अगर इस तरीके की समस्या होती है तो इसी तरीके से एयर निकाल निकाल के ब्रेक दबा दबा के जैसे मैंने किया उसी तरीके से करना है। तो देखा आपने कि कैसे मैंने इसे ठीक किया, इसी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। कोई ज़्यादा समस्या होता नहीं है, समय ज़्यादा लगता है, काम वही होता है। तो करके दिखाया हमने और इसी तरीके से हमें मेहनत करना है और काम को ये नहीं समझना कि हमसे नहीं होगा। हमने भी सोचा अरे यार नहीं हो रहा है, आज नहीं तो कल करेंगे, फिर मैंने आज कर ही दिया इसे। इसी तरीके से ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि मैं ऐसा इंफॉर्मेशन वीडियो बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।